Hi, hello, namaste friends, welcome to Usharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you how to make capsicum pasta. आज हम बनाएंगे पास्ता शिमला मिर्च में बर्गर बनाएंगे. इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम चावल का पास्ता. ये आजकल हर एक मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगा. 2 टेबलस्पून टमाटर केचप, 2 टेबलस्पून बटर, 4 टेबलस्पून चीज इस तरह कटा हुआ, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक कटा हुआ, इधर हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पुदीना कटा हुआ, 2 टेबलस्पून ब्री कटा हुआ ऑनियन, स्वाद अनुसार नमक. इधर शिमला मिर्च 250 ग्राम लिया है, यानी कि 12 पीस लिया है. इस तरह साफ कर कर रखना है. सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे. इसमें पास्ता डालेंगे बॉईल करने के लिए. पानी ऑलरेडी बॉईल हुआ है. इसमें अभी थोड़ा गैस तेज करके इसमें डाल देंगे पास्ता. 5 मिनट में ये कुक हो जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगी. इसमें ही थोड़ा सा नमक डाल देते हैं पास्ता में. अभी 5 मिनट में ये कुक होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी. ये हम पास्ता डालकर अभी सिर्फ 4 मिनट हुआ, इसमें ही रेडी हो गया है. अभी हम इसको फिल्टर कर देंगे इसको, क्यों अभी रेडी है. देखिए लास्ट इसका 4 से 5 मिनट बॉईल करना, उससे ज्यादा नहीं, क्यों चावल का पास्ता जल्दी कुक हो जाता है. अभी इसको फिल्टर करूंगी. कि हम इसको फिल्टर कर लिया है, अलग अलग इस तरह हुआ है. अभी तड़का शुरू कर लेंगे. पहले ये कढ़ाई रखेंगे गैस में, इसमें तेल डाल देंगे. दो टेबलस्पून तेल डाल दीजिए. तेल गर्म होने तक हम ये देखते हैं. देखिए अभी हमारा पास्ता लंबा लंबा था ना, इसको कटना है. मैंने ऐसे एक सीजर रखा है, कांच रखा है, सिर्फ ये मेरा किचन में यूज करती हूँ मैं. देखिए इसको ऐसे ऐसे आप एक नाइफ लेकर भी, या जब भी बॉईल करते हैं तभी तोड़कर ही डाल दीजिए, कोई बात नहीं. मैं तोड़कर नहीं डाला इसलिए मैं अभी कट रही हूँ इसको. ऐसे इस तरह छोटा छोटा पीस कट लिया है हमने. लगता है तेल गर्म हो गया है. अभी इसमें हम जो लहसुन अदरक रखा है ना, हम डाल देंगे इसमें. अभी इसको लाइट ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे. अभी लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें ऑनियन डाल देंगे. ऑनियन डालकर इसको भी लाइट सा जैसा इसमें मिक्स होने तक, इसको लाइट ब्राउन आने की जरूरत नहीं है. लहसुन बारीक कटा हुआ, सॉरी प्याज बारीक कटा हुआ लहसुन के साथ अदरक के साथ मिलकर जल्दी कुक हो जाएगा. तो इसमें ये मसाला डाल देंगे, जो मसाला हमने रखा है सारा इसमें डाल दिया है. अभी मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह. ये मिक्स हो चुका है, इसमें हमारा जो पास्ता रखा है ये डाल देंगे. अभी इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे. मिक्स करना है, फिर गैस अभी बंद कर देते हैं. मिक्स हो गया है, इसमें टमाटर केचप
सबसे पहले हमारा बटर डाल देंगे इसमें। बटर डाल दिया और टमाटर केचप डालेंगे। सो इसमें अभी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अभी इसमें अभी मिक्स कर लिया हमने केचप डालकर। जब भी हम केचप बटर डाल रहे हैं हम लास्ट में गैस बंद कर देना चाहिए, तो इसी जो हीट है इसी हीट में ही ये बन जाएगा, क्यों पहले से हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है और ज़्यादा कुक नहीं करना। सो अभी रेडी है, इसी में हम जो पुदीना रखा है ये डाल देते हैं। डालकर इसको मिक्स कर लिया। सो अभी कैप्सिकम में शिमला मिर्च में भरने शुरू कर देंगे। इधर हमने इधर चीज़ रखा है ना, ये चीज़ लेकर सभी में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जैसा इसके ऊपर हम पत में ये लेकर थोड़ा इसमें भरने शुरू कर देंगे। देखिए इस तरह भरना है अभी। 100 ग्राम पास्ता लिया, बराबर आ जाएगा सभी में। अभी मैं कम्प्लीटली भर कर दिखाऊंगी आपको। हमने सारा पास्ता इसमें शिमला मिर्च में भर दिया है। अभी मैंने थोड़ा आलू कट कर कर रखा है, इस तरह थोड़ा से आलू कट किया हुआ। अगर आप चीज़ नहीं डालना है तो आलू भी डाल सकते हो इस तरह सभी में। देखिए थोड़ा थोड़ा आलू भी ऐसे डाल सकते हो, उसके बाद ऊपर चीज़ डाल सकते हो। अभी हम इसमें चीज़ डालेंगे, क्यों मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सब कुछ करके मैं दिखाऊंगी आपको। सो इस तरह भरना है, मैं सारा भरकर अभी दिखाऊंगी। सो हम इस तरह ऊपर आलू डाला, बुलावा आलू ब्रिक कटा हुआ, तो उसके ऊपर चीज़ डाल दिया। अगर आप चीज़ नहीं डालना है, सिर्फ आलू भी ऐसे चीज़ का जहाँ आलू उबाल कर उसको कद्दू करके इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हो। सो अभी इसको कैसे कुक करते हैं वो देखेंगे। अभी मैं तैयार करती हूँ। अभी पहले हम ये कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे, ऐसे तेल डालना है इसको। तेल डाल के फिर कटा हुआ आलू डालना है, थोड़ा से आलू लेकर कट कर इस तरह डाल देना है। फिर इसके ऊपर नमक डालना है, इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा। फिर इसके ऊपर एक एक करके रख के जाएंगे सारा कैप्सिकम रख देंगे। सो देखिए इस तरह रखना है इसके ऊपर। हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, फ्राई जैसा ही बनाएंगे इसको, बहुत ही टेस्ट बनाएंगे। सो सब कुछ ऐसे ही रखना है इसके ऊपर। रख कर दिखाती हूँ। इधर सारा भर दिया हमने कुक करने के लिए। इसमें थोड़ा से पानी डालेंगे, जैसा आलू कुक होना है और पानी पानी ज़्यादा भी नहीं लगना है। एक ग्लास जैसा 200 ग्राम पानी डाल दीजिए। जब तक ये कुक होकर रेडी होएगा पानी सूख जाएगा, सारे रेडी भी हो जाएगा। सो इसको गैस में अभी रखकर कम से कम 20 से 25 मिनट 25 मिनट में कुक हो जाएगा। आलू कुक होना है तब तक शिमला मिर्च भी कुक हो जाएगा। सो तैयार हो जाएगा। अभी गैस में इसको रखकर कुक करेंगे। अभी हमने गैस में रख दिया, हम देखते हैं कैसा बनेगा हमारा भरा हुआ शिमला मिर्च पास्ता। सो अभी 20 से 25 मिनट कुक करने देते हैं। तो 25 मिनट में हमारा
कैप्सिकम पास्ता रेडी हो गया है। देखिए इस तरह कुक हुआ है, अच्छा कुक हुआ है, बहुत ही अच्छा कुक हुआ है। अंदर आलू भी इस तरह बहुत अच्छा कुक हो गया है। सो आप भी बनाकर देखिए। अभी मैं इसको सर्व प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। मैं अभी सर्व प्लेट में निकाल रही हूँ। सो इस तरह है, कुक भी अच्छा हुआ है और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। आप भी बनाकर देखिए। सो अच्छा लगेगा, पार्टी हो, फंक्शन हो घर पे, बच्चे सब पसंद करेंगे। आप बनाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।